हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क प्लेस सेफ्टी के बारे में, जिसमें हम जानने वाले हैं कि वर्क प्लेस सेफ्टी के ऐसे कौन से 10 रूल है जो हमने हमारे साइट पर इम्प्लीमेंट करना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी में सेफ्टी रिलेटेड अगर कोई अगर इंसिडेंट अगर हो जाते हैं, तो उस इंसिडेंट का जो इम्पैक्ट है वो कंपनी की प्रोडक्टिविटी, उसके क्वालिटी ऑफ वर्क और एम्प्लॉय के मोरल के ऊपर होता है। तो मेनी केसेस में ये जो वर्क प्लेस एक्सीडेंट है, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसको प्रिवेंट करने के लिए आज हम यहाँ पर वर्क प्लेस सेफ्टी के 10 रूल यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो 10 रूल क्या है। तो सबसे पहला रूल है कि वर्कप्लेस इंसिडेंट को प्रिवेंट करना, ये हम सभी की जिम्मेदारी होती है, ये हम सभी का काम होता है। और उसके लिए जो है, हम सब ने हमारी जो पर्सनल सेफ्टी है उसकी जिम्मेदारी लेनी है। जब हम खुद की सेफ्टी करना चालू करेंगे, यानी कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सेफली हमें काम करना है, जब हम ये सोचेंगे तभी जो है उसकी वजह से सभी इम्प्लॉयज के बीच में एक ऐसा सेफ इन्वायरमेंट जो है वो बनता है। फिर उसके बाद का सेकंड पॉइंट है कि जब भी हम साइट पर काम करते हैं, तो हमने हमारा जो ड्रेस है वो पूरी तरीके से अच्छे से पहनना है, जो हमें अप्रोप्राइट होना चाहिए। यानी कि हमारा जो क्लोथिंग है जो हम पहनते हैं, वहां से लेके हमारा जो फुटवेयर है, जो सेफ्टी शूज है, वो भी हमारा प्रॉपर होना चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ की हाउसकीपिंग और वहाँ पर जो वर्क एरिया है उसको नीट एंड टाइडी रखना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि हमें कंपनी के जो भी रूल्स हो, या फिर हमारे कंपनी की जो भी प्रोसीजर्स है, या फिर हजार्ड और रिस्क असेसमेंट जो भी बनाया हुआ है, तो उसके तहत जो भी रूल्स है उन सभी को हमें फॉलो करना होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि वर्कप्लेस एक्सीडेंट या फिर सेफ्टी इंसिडेंट अगर साइट पर होता है, तो इमीडिएट उसका जो रिपोर्टिंग है वो कंसर्न जो आपके इंचार्ज रहेंगे या फिर सेफ्टी पर्सन रहेंगे, उनको रिपोर्ट करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि आपको इमरजेंसी जो भी प्रोसीजर्स है उसके बारे में पता होना चाहिए और उसको आपको फॉलो करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि मैन्युअली जब भी हम कोई अगर मटेरियल उठाते हैं, तो उसको कैसे लिफ्ट करना है, कैसे बेंड होना है या फिर स्ट्रेच होना है, और अगर हम ये करते हैं, इसके बारे में अगर हमें पता है कि मैनुअल हैंडलिंग कैसे करना है, तो हम इंजरी को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आपको मटेरियल हैंडलिंग के बारे में नहीं पता है कि उस मटेरियल को कैसे लिफ्ट करना है, बेंड कैसे होना है या फिर स्ट्रेच कैसे होना है, तो उसके बारे में जो है आप आपके सुपरवाइजर को पूछ सकते हो, या फिर कंपनी के जो भी सेफ्टी ऑफिसर है उनको भी पूछ सकते हो। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि साइट पर जो भी टूल्स हो या फिर मशीनरी हो, उसके बारे में अगर आपको मालूमात नहीं है, तो उसको आपको ऑपरेट नहीं करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि साइट पर काम करते वक्त आपको जो भी ड्रग्स हो या फिर अल्कोहल हो, उसको पीकर आपको साइट पर काम नहीं करना है, उसको आपको अवॉइड करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जब भी आप साइट पर काम करते हो, तो काम करते वक्त आपको उस काम को कंटिन्यू नहीं करना है, बल्कि उसके बीच में आपको ब्रेक लेते रहना है, ताकि आपकी जो एनर्जी है काम करने की वो थोड़ी सी सेव भी हो सकती है और आप अपने काम पर जो है वो अच्छे से फोकस कर सकते हो। तो इन 10 रूल को आपको आपके वर्क प्लेस में इम्प्लीमेंट करना है और उस प्रकार जो है आप अपने वर्क प्लेस में सेफ्टी जो है वो डेवलप कर सकते हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा वर्क प्लेस सेफ्टी के बारे में, जिसमें हमने जाना कि वर्क प्लेस सेफ्टी के कौन से 10 रूल हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।